मेरे स्वामी वापस लौट रहे हैं, हम पर अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहना प्रभु। उनसे इतना भी मत मांगो कि वो थक जाए, प्यार से जो आशीर्वाद देते हैं उसे स्वीकार करो। अभी पहले कुछ जरूरी काम पूरे कर लूं, उसके बाद तुमसे बात करूंगा। मगर मैं तो आपके पैर छूकर आपके आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तुम्हारे चोच लेना मुझे बिल्कुल पसंद है, मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी भी तो आया हूँ दुश्मनों को हरा कर। आखिर भगवान ने मेरी लाज रखी, जो मन्नत मैंने मांगी थी ना वो पूरी भी कर दी। तुम नहीं सुधरोगी ना, आप कौन सी मन्नत मांग ली? यही, जिस दिन आप वापस घर आओगे भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आपके हाथ को अपनी मांग में सिंदूर भरवाऊंगी। अरे आइए ना। रुको, पहले ये बताओ माँ और बापू कहाँ हैं? पहले उनसे मिल लो, नहा लो, उसके बाद तुम्हारी मन्नत पूरी करूंगा। माँ और बाबूजी मंदिर गए हैं, आते ही होंगे, मैं पानी रखती हूँ, आप नहा लो। तुमने खत में लिखा था तो जरूरी बात करनी है, क्या है वो बात बोलो। वो सब बाद में, पहले आप नहा लो। जिद मत करो, नहाना तो है ही, बोलो क्या कहना चाहते हो। नहीं नहीं, पहले नहाना फिर खाना फिर पूरी रात है ना बात करने के लिए। वक्त नहीं है मेरे पास, कभी भी वापस बुला सकते हैं, इसलिए कहता हूँ जो बात है वो कर लो। वापस बुला लेने का क्या मतलब, अभी अभी तो आए हैं आप, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। देखो इस बात में ना तो तुम्हारा कुछ चलेगा और ना ही मेरा चलता है। चलो बहस नहीं करती, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी अभी प्यार की बातें, थोड़ा प्यार और फिर चलो चलो सीधे खड़े रहो और मुझे अपने पैर छूकर आशीर्वाद दे दे। जब पत्नी को दोस्त मान ही लिया है तो उसे आशीर्वाद देने का तो मेरा हक ही नहीं बनता ना, और ये बात हम दोनों ने कबूल की है, ठीक है ना? ठीक है बाबा, फिर दोस्त को पत्नी मानकर आशीर्वाद दे दो। तुम्हें मेरे पैर छूने की थी जल्दी क्या है? क्योंकि आप मेरा मान हो, सम्मान हो और अहंकार भी। अरे भारतों में तो तुमसे ना मैं शादी से पहले जीत पाया था, मैं शादी के बाद जीत पाऊंगा, मेरी बात मानोगी? जरा सा भी शक है ना तो मत करना। शक नहीं है पप्पी, रिक्वेस्ट है। कहो। तुम हमेशा यूं ही रहना, खुश, सबका ख्याल रखना और अपना भी, वचन दो। ठीक है, दिया वचन। आप? मैं नहाने जाता हूँ। इतनी जिद्दी है ना कि मैं छूंगी नहीं। हे भगवान, हमारा संसार यूं ही हंसते खेलते चलता रहे, बस अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखे। आज आपने मेरी सारी आशाएं पूरी कर दी, आज उनके हाथों अपनी मांग में सिंदूर भराकर नए जीवन की शुरुआत करो। पोस्टमैन, भारत सरकार की ओर से आपको ये बताते हुए हमें बेहद दुख होता है कि सिपाही यशवंत रनावत अपनी भारत माँ की रक्षा करते हुए जंग में शहीद हो गए हैं।